नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया इस वक्त कोविड संकट से घिरी हुई है। इस वायरस ने पूरी दुनिया को ठप कर रखा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 8,60,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं, जिनमें से करीब 42,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1,78,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वक्त 6,39,000 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केसेस हैं। चीन के वुहान से निकले इस वायरस ने अब अमेरिका को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से 1,88,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में इस वायरस को हल्के में लिया, जिसकी वजह से आज अमेरिका कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। इसको लेकर ट्रंप की खूब आलोचना हो रही है। कोरोना से लड़ने के लिए अब अमेरिका ने कमर कस ली है। यूएस नेवी ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए एक हॉस्पिटल शिप, जिसका नाम द कंफर्ट है, उसे न्यूयॉर्क भेजा है। ये शिप वर्जीनिया के नॉरफॉक नेवी बेस से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस शिप में 12 कमरे ऐसे हैं जो आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से पूरी तरह लैस है। इसके साथ ही साथ इस शिप में 1,000 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये शिप हॉस्पिटल सभी आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से लैस है। अब आपको इस शिप हॉस्पिटल द कंफर्ट की कुछ और खूबी के बारे में बताते हैं। शिप में 1,000 से ज्यादा हॉस्पिटल बेड की व्यवस्था। इस शिप में 12 ऑपरेटिंग रूम है, 80 इंटेंसिव केयर यूनिट्स यानी ICU हैं, 5,000 यूनिट ब्लड, 4 रेडियोलॉजी सुइट्स, 2 ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट, 1 आइसोलेशन वार्ड, 1 फार्मेसी की व्यवस्था है, 1 मेडिकल लेबोरेटरी है। इस शिप पर करीब 1100 मेडिकल स्टाफ मौजूद होंगे। यहाँ 24 घंटे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। बता दें कि इसके जैसी ही एक दूसरी शिप USNS मर्सी को लॉस एंजलिस भेजा गया। अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इस शिप हॉस्पिटल को इसलिए भेजा गया ताकि जो नॉन COVID-19 के मरीज हैं उनका इलाज इस अस्पताल में हो सके। 26 मार्च को खुद US नेवी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई। न्यूयॉर्क के मेयर ने भी इस शिप की तारीफ की। With this ship comes an extraordinary complement of talented individuals in service to our nation, 1,200 medical staff and sailors here to help us all. 750 beds will be put into play immediately to relieve the pressure on our hospital system. Let me be clear that this is such a crucial part of the plan we are putting in place, but I want you to understand the sheer magnitude of the plan. We need to triple our hospital bed capacity in New York City by May. The number of beds we had at the beginning of March have to triple by May. It is a daunting task, but we got a big, big boost with the arrival of the Comfort. This is like adding a whole another hospital to New York City. It's like, think of all the big hospitals in New York City, Bellevue and all the other famous hospitals we think of. It's like another one of them just floated right up to help us right now. गौरतलब है कि अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से है। ऐसी आशंका है कि अगर कोरोना वायरस संक्रमण यूं ही बना रहा तो न्यूयॉर्क को मई तक अपनी मौजूदा क्षमता से 3 गुना हॉस्पिटल बेड की जरूरत होगी।